हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसके लिए एक मॉडल पेपर को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक क्लास टेंथ का मॉडल पेपर है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 का खै खंड देख रहे होंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, ठीक है, तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। यदि आप केवल जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है, तो आपको केवल 2 नंबर मिलेंगे, और उनकी एक रचना का भी नाम लिख देंगे तो आपको इस प्रकार से 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर जीवन परिचय पर और 1 नंबर उनकी एक रचना लिखने पर। इस प्रकार से आपको यहां से 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस मॉडल पेपर में 3 जीवन परिचय दिए गए हैं, जिसमें पहला है तुलसीदास, ठीक है, और दूसरा है बिहारी लाल, और इसमें तीसरा जीवन परिचय है मैथिली शरण गुप्त। और ये तीनों जीवन परिचय ही बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों जीवन परिचय को अच्छे से तैयार कर लेना, और इन तीनों जीवन परिचयों की वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम इनके जीवन परिचय को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम में उत्तर पुस्तिका में क्वेश्चन लिखेंगे, और क्वेश्चन लिखने के बाद आप इस प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग लिखेंगे, जीवन परिचय, ठीक है। और आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लैक और ब्लू वॉल पेन का यूज करना है, आपको हाईलाइटर या जेल पेन का यूज नहीं करना, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय हेडिंग लिखने के बाद आगे लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी या विक्रमी संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में हुआ था। और डियर स्टूडेंट, यदि आप इनके जन्म की विक्रमी संवत नहीं लिखना चाहते हैं तो इनके जन्म की केवल सन लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें आगे लिखना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। यानी कि कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। यानी कि इनके जन्म स्थान में भी कुछ मतभेद है। जो विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था, ठीक है। और इस प्रकार से आगे लिखना है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और माता का नाम क्या था? हुलसी था, ठीक है। चाहे तो आप बोर्ड एग्जाम में इनके माता पिता का नाम ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। इस प्रकार से मेन मेन पॉइंट को बोर्ड एग्जाम में लिखने से नंबर नहीं कटते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। यानी कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। और आगे लिखना है, इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। यानी कि इनका जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसकी वजह से इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, ठीक है। और आगे लिखना है, इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। यानी कि इनका जो बचपन व्यतीत हुआ था वो बहुत सारी आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब इनके माता पिता ने इनको बाल्यावस्था में ही छोड़ दिया था तो इनका बचपन कितना संघर्षमय होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे लिखना है, 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। यानी कि इनका जो विवाह हुआ था वह 29 वर्ष की आयु में हुआ था, और किसके साथ हुआ? रत्नावली के साथ हुआ। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे। यानी कि एक बार इनकी पत्नी इनसे बिना कहे मायके चले जाती हैं और ये रात में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचते हैं। यानी कि ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए अपनी पत्नी के बिना ये ज्यादा समय अकेले नहीं रह पाते हैं, इसलिए ये आधी रात में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आगे लिखना है, देखिए ये थोड़ा छूट गया था, इस प्रकार से इसमें मैंने ऊपर लिख दिया है। और इनकी पत्नी ने इन्हें डांट लगा दी। यानी कि जब इनकी पत्नी ने इस दशा में आधी रात में उनको देखा तो इनकी पत्नी ने इन्हें डांट लगा दी, ठीक है।
और इस प्रकार से आगे लिखना है, इस तरह अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया, यानी कि इस तरह अपनी पत्नी की फटकार से तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया और ये श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, यानी कि ये अपने घर और पत्नी को छोड़कर चले गए और श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। ठीक है, और आगे लिखना है, अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी, यानी कि इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं जो लिखी थी चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी थी। ठीक है, और इस प्रकार से अंत में इसमें लिखना है, और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी या विक्रमी संवत लिख सकते हैं, तो विक्रमी संवत 1680 के लगभग हुई, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद लिखनी है इनकी रचनाएं, तो हेडिंग लिखनी है रचनाएं, या आप लिख सकते हैं कृतियां। ठीक है, इनमें से केवल एक लिख सकते हैं, रचना हेडिंग लिख सकते हैं या कृतियां। ठीक है, और इस प्रकार से इसमें आगे फर्स्ट पॉइंट डाल करके लिखना है श्री रामचरितमानस। ठीक है, चाहे तो आप बोर्ड एग्जाम में केवल एक रचना ही लिख सकते हैं, आपको एक नंबर रचना पर और दो नंबर इनके जीवन परिचय पर, इस प्रकार से आपको तीन नंबर मिल जाएंगे, और चाहे तो इनकी एक दो रचना एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट डाल करके लिख सकते हैं कवितावली, थर्ड गीतावली। इस प्रकार से इनकी तीनों रचनाएं श्री रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय और रचनाएं कंप्लीट हुई। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।